हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है बटरफ्लाई, जो 1982 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक 17 साल की लड़की को देखते हैं, ये है कादी। तभी वो जाकर एक ट्रक में बैठ जाती है। कादी काफी उदास लग रही है, तभी वो ट्रक वाला उसकी टांगों पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, हमें कोई सुनसान जगह देखनी पड़ेगी गपागप करने के लिए। वो एक जगह ट्रक रोकता है और कादी उसे सीड्यूस करने लगती है। उसे चकमा देकर वो भाग जाती है। कादी को एक घर दिखाई देता है, वो उस घर के बाहर बैठ जाती है और वहाँ एक आदमी आता है, ये है जेस टेलर। जेस चांदी की खान का केयर टेकर है। जेस कादी से कहता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, दरअसल ये घर जेस का है। कादी जेस के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जेस उसे जाने को कहता है और इस तरह उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। जेस बताता है कि उसकी बीवी का नाम बेले मार्गन है, जो 10 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी और अपनी बेटियों जेनी और कादी को भी अपने साथ ले गई। दरअसल जेस की पत्नी एक आदमी जिसका नाम मौके ब्लू था, उसके साथ भाग गई थी। कादी अपना नाम बताती है और अंदर चली जाती है। कादी जेस की बेटी है। जेस कादी से पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। कादी बताती है कि उसकी माँ दरअसल प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती है और मैं भी प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरा एक महीने का बच्चा है। सब लोग मुझे चिढ़ाने लगे थे, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गई। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। जेस पहले तो मना कर देता है, लेकिन कादी के मनाने पर मान जाता है। रात में कादी जब नहा रही होती है तो जेस पर्दे से उसकी परछाई को देखता है। नेक्स्ट सीन में कादी उस चांदी की खान के पास होती है। वहाँ जेस आता है और कहता है कि अब इस खान में चांदी नहीं बची, इसलिए इसे बंद करना पड़ा। कादी कहती है उसमें इतनी चांदी तो होगी कि दो लोगों की जिंदगी कट जाए। जेस पूछता है कि क्या तुम यहाँ चांदी के लिए आई हो, बुरे लोगों के साथ तो बुरा ही होना है। कादी कहती है कि बुरा काम करने की वजह से उसके साथ अच्छा हुआ, उसको एक बेटा मिला और इस सिल्वर माइन के मालिक का बेटा वॉश ग्लेस्पी ही उसके बच्चे का बाप है, लेकिन उसने कादी से शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने नाम के पीछे टेलर लगाती है। दरअसल कादी पैसों की लालची है और चांदी चुराने के लिए वापस आई है। जेस पहले उसे चांदी चुराने से मना करता है, लेकिन बाद में कहता है कि वो उसे सीड्यूस करने के बाद उस खान से थोड़ी सी चांदी निकाल सकती है। फिर वो कादी को चर्च ले जाता है और उसकी कहानी वहाँ के लोगों को सुनाने लगता है। कादी वहाँ से चली जाती है। जेस घर पर उसका इंतजार करता है। कादी एक कार से उतरती है। जेस पूछता है कि वो कौन था। कादी कहती है कि वो उसके फ्रेंड का भाई था। जेस कादी से कहता है कि कल वो खान में चांदी ढूंढने का काम शुरू करेंगे। अगले दिन वो दोनों खान में चांदी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो दोनों घर आते हैं और कादी थकान की वजह से सो जाती है। जेस उसे उठाता है और कहता है, जाओ गर्म पानी से नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कादी उसी के सामने कपड़े उतार कर नहाने लगती है और जेस से कहती है कि उसके बैक पर मसाज कर दे, उसे काफी दर्द हो रहा है। उसकी मसाज करके जेस को अच्छा लगने लगता है और कादी भी मदहोश होने लगती है, लेकिन जेस कादी से कहता है, तुम मेरी बेटी हो। कादी कहती है, मैं एक औरत भी हूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। अगले दिन वो फिर से खान जाते हैं और उन्हें खूब सारी चांदी मिलती है और एक आदमी जिसका नाम एड है, वो उन दोनों को चांदी निकालते हुए देख लेता है। जैसो कादी शहर जाते हैं और कादी एक शॉप पर उतरकर कहती है कि मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। जैस जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक बार शॉप पर चली गई है। जैस वहाँ जाकर देखता है कि कादी वहाँ दो लड़कों के साथ डांस कर रही है। जैस कादी से घर चलने को कहता है, लेकिन कादी कहती है वो उन लड़कों के साथ जाएगी, उसे भी कभी कभी अच्छी फीलिंग्स चाहिए होती हैं। जेस कहता है, मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा। कादी मान जाती है, लेकिन वो दो लड़के जेस से लड़ने लगते हैं। कादी जेस के साथ मिलकर उन दोनों को पीट पीट कर वहाँ से भगा देती है। घर पहुँच कर वो दोनों देखते हैं तो वहाँ कैदी की बहन जेनी खड़ी है उसके बेटे को लेकर। कादी अपने बेटे को जेस से मिलवाती है, लेकिन जेस अंदर चला जाता है और बाद में हम उसे उसके नाती के साथ खेलते हुए देखते हैं। जेस उस बच्चे के पेट में एक बर्थमार्क देखता है। तभी वहाँ जेनी आकर जेस को बताती है कि वॉश कादी से शादी करने के लिए मान गया है और कल उसे लेने आ रहा है। वॉश कादी के पास आता है। कादी उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो, चले जाओ यहाँ से, लेकिन वॉश उसे मना लेता है और जेस के पास जाकर उससे माफी मांगता है और सब उसे माफ कर देते हैं। वॉश कादी से कहता है कि वो दो दिन बाद उससे शादी करेगा। वहाँ जेस की पत्नी बेले जेस के घर पर ब्लू और एक म्यूचुअल फ्रेंड एड के साथ आती है। बेले काफी बीमार है। ब्लू कहता है कि वो चांदी की चोरी के बारे में जानता है। बेले ब्लू पर हमला करती है, लेकिन ब्लू उसे मार डालता है।
और बैले के अंतिम संस्कार के दौरान जश को पता चलता है कि एड ने ब्लू को उस चांदी की खान और चोरी के बारे में बता दिया है। वो गन लेकर खान की तरफ जाता है और देखता है ब्लू चांदी की चोरी कर रहा है और जश को ब्लू के पेट पर सेम बर्थ मार्क दिखता है जो कादी के बेटे के पेट में था। जश को समझ आ जाता है कि वो बच्चा ब्लू का है ना कि वॉश का। पहले ब्लू को मारना चाहती थी। जस ब्लू को शूट कर देता है और मरते मरते ब्लू जस को बताता है कि ये मार्क सिर्फ लड़कों को मिलता है और कादी तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है, इसलिए उसके बेटे को भी सेम मार्क मिला था। जस ब्लू को गहरी खदान में फेंक देता है। जस वॉश से मिलता है और झूठ कहता है कि कादी के बच्चे का बाप आप नहीं है, ब्लू है। जैसा मार्क ब्लू के पेट में था वैसा ही उस बच्चे के पेट में भी है। दरअसल जस अब जान चुका था कि कादी उसकी बेटी नहीं है और वो उसे कुछ भी करके पाना चाहता था, इसलिए वो वॉश को कादी से दूर रहने के लिए कहता है। वॉश कादी से मिलकर एंगेजमेंट तोड़ने की बात करता है लेकिन जस उसे कादी से मिलने से मना कर देता है। अगले दिन कादी शादी की ड्रेस पहनकर वॉश का वेट करती है लेकिन वो नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम जस और कादी को देखते हैं। जस कादी के थाइस पर हाथ रखता है और कहता है कि कल से हम उस खान में काम शुरू करेंगे। कादी मान जाती है। अगले दिन वो दोनों खान में काम करने के लिए जाते हैं और कादी रास्ते में गिर जाती है और जस कादी के साथ घपाघप करने लगता है और वो सब करते हुए उन्हें एड देख लेता है और पुलिस को बता देता है। पुलिस जस और कादी को अरेस्ट वारंट लेकर आती है। जस पूछता है वो उसको क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं। पुलिस बताती है कि तुमने अपनी ही बेटी के साथ घपाघप किया है जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। फिर हम उन्हें कोर्ट में देखते हैं जहां जज उन दोनों को एक दूसरे के साथ घपाघप करने के जुर्म में सजा सुनाते हैं लेकिन जज कहता है कि उसमें कादी का कोई कसूर नहीं है, मैंने ही उसके साथ जबरदस्ती की थी। लेकिन कादी कहती है कि जज ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। जज उन दोनों को 10 साल जेल में रहने की सजा सुनाता है। जस को बताना पड़ता है कि कादी उसकी नहीं ब्लू की बेटी है और इसका प्रूफ वो बर्थमार्क है जो ब्लू के पेट में था और वैसा ही बर्थमार्क एड के पेट में भी है क्योंकि एड ब्लू का सौतेला भाई है और ये सब एड ने उस चांदी को पाने के लिए करा। केस डिसमिस हो जाता है। वॉश कोर्ट के बाहर कादी का वेट कर रहा है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जस ने क्या किया है। कादी जस को माफ कर देती है और कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ लेकिन उस तरह से नहीं जैसा वॉश से करती है। वो वॉश को चुनती है क्योंकि वॉश उसके बेटे को एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। लास्ट में हम एड को जैस का पीछा करते हुए देखते हैं।